नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 28 जुलाई 2020 की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए है और ये वर्कशीट हिंदी की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कक्षा व भाग लिखेंगे। आप अगर तीसरी ए कक्षा में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे तीसरी ए लिखिए, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं तो चौथी लिखिए, पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं तो पांचवी लिखिए। यहाँ पर आएगा बच्चों आपका नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप अपने कक्षा के अध्यापक या फिर अध्यापिका का नाम, जिसने भी आपको ये वर्कशीट सेंड करी होगी। शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और ये एक पोयम है जिसका शीर्षक दे रखा है हमारे आसपास से मदद। मैं शुरू करती हूँ पढ़ना। देखिए, अगर आप भी पढ़ सकते हो तो आप भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ। नदियां कल कल, झरने झरझर, पानी सबकी प्यास बुझाता, पेड़ों का फल, खेतों का अन्न सबकी भूख मिटाता, गैया का दूध मुझे बलशाली, गैया का दूध मुझे करे बलशाली, मेरा नन्हा मोती घर की करे रखवाली, भेड़ से मिले ऊन मुझे और कपास से सूती कपड़ा, इनसे जीवन में खुशहाली सूत्र क्या तुमने पकड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी पोयम जो भी चीजें हमें हमारे पर्यावरण से, हमारे आसपास की चीजों से मिलती हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद बेटा आप देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन प्रश्नों का आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, पानी से केवल हमारी ही प्यास बुझती है या दुनिया के सभी जीव पानी से ही प्यास बुझाते हैं? तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हमारी प्यास भी पानी से बुझती है, जितने जीव जंतु हैं उनकी प्यास भी पानी से बुझती है। और आपने देखा होगा गर्मी पड़ रही है तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी चाहिए होता है, तो उनकी प्यास भी पानी से ही बुझती है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पानी केवल हमारी ही प्यास नहीं बुझाता, बल्कि सभी जीव जंतुओं के पास प्यास पानी से ही बुझती है। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है ऊपर लिखी पंक्तियों में मोती कौन होगा? आपको ये कैसे पता चला? तो बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था, इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, मेरा नन्हा मोती करे घर की रखवाली। अब आप खुद ही सोचिए, घर की रखवाली कौन सा जानवर करता है? तो हमें पता है कि कुत्ता जो होता है वो घर की रखवाली करता है, तो कौन होगा मोती यहाँ पे? मोती होगा कुत्ता, क्योंकि वो ही घर की रखवाली करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, मोती घर का पालतू कुत्ता होगा, क्योंकि कुत्ता ही घर की रखवाली करता है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, मोती घर की रखवाली कर हमारी मदद करता है, क्या आप ऐसे और जानवरों की बात बता सकते हैं जो हमारी मदद करते हैं, और यह भी बताइए कैसे? तो बेटा, ऊपर भी लिखा हुआ है और आपको खुद से भी पता है कि अलग अलग जानवर होते हैं, वो हमारी मदद अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो भेड़ है, भेड़ से मिले ऊन मुझे, मतलब भेड़ हमें क्या देती है? भेड़ हमें ऊन देती है। यहाँ पे लिखा है, गैया का दूध मुझे करे मुझे बलशाली, यानी कि जो गैया है, मतलब जो गाय है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय बनी हुई भी है, तो जो गैया का जो दूध है वो मुझे बलशाली करे, तो मतलब क्या होगा इसका? जो गाय का दूध है वो हमें बलशाली करता है। तो जैसा कि आप इसका उत्तर देख सकते हैं, इसका उत्तर लिखा हुआ है नीचे, गाय हमें दूध देती है, भेड़ हमें ऊन देती है। इस प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है बच्चों, दी गई पंक्तियों में कौन और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में उपयोगी है? तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें हमारे पर्यावरण से मिलती हैं और सारी की सारी हमारे लिए बहुत जरूरतमंद है। तो इसमें बताइए क्या क्या चीजें हमें पर्यावरण से मिलते हैं। तो हम यहाँ पे चित्रों में भी देख सकते हैं कि पेड़ों से हमें फल मिलता है, झरने से हमें पानी मिलता है, फसल से हमें धान, गेहूं, चावल, ये सब चीजें मिलती हैं, और जो दूध है, जो गाय है, वो हमें दूध देती है। तो आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो बेटा, मैंने इसकी इससे ही लिखा है, पेड़, झरने, खेत, गाय, भेड़, कपास, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। तो चलिए, इसको उतारिए, इसको करिए,
आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ।